हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग अ वेरी वेरी गुड केयर अबाउट योर हेल्थ एज वेल एज योर स्टडीज। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसके पोइट हैं लेस्ली नॉरिस, क्लास 10th की पोएम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, बहुत ही अच्छी पोएम है और इसमें इतने इमोशंस हैं, एक इतना गहरा मैसेज है जो आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी हमें और अच्छे से समझ में आएगा गहराई से। 10th की पोएम है ये। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रीच। पहला स्टैंजा बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, जहां पर दिखाया है एक टाइगर जो चहलकदमी कर रहा है अपने पिंजरे में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इस पोएम का वो यही है कि फ्रीडम से बड़ी दुनिया में कोई चीज़ नहीं। हम किसी को कितना ही अच्छा खिला दें, कितनी अच्छी जगह सुला दें, लेकिन इसकी कीमत अगर उसकी आज़ादी है तो वो कभी खुश तो नहीं रह सकता। टाइगर के साथ भी यही है, वो छोटे से पिंजरे में, हो सकता है पिंजरा बड़ा भी हो, चार दीवारी कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, लेकिन बाउंडेशंस हमेशा हमारे ख्यालों को, ख्वाबों को, हमारी ऊंचाइयों को, हमारी चाहतों को रोकती ज़रूर हैं। तो क्या कह रहा है पोएट कि वो अपने उस पिंजरे में या उस केज में या उस चार दीवारी के अंदर वो टहलता रहता है, वॉक करता रहता है। क्वाइट है एक वर्ड, शांत है, लेकिन रेज है, गुस्सा है। शांत क्यों है? क्योंकि वो बहुत चीखा होगा जब शुरू में वो आया होगा जू में टाइगर, तो बहुत दिन चीखा होगा। अब वो समझ चुका है, एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट यहाँ पर डाला है क्वाइट वर्ड से पोइट ने, कि समझ चुका है कि चीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गुस्सा तो रखा है उसने, लेकिन शांत रखा है और वो कदमों को इधर से उधर, उधर से उधर उसी एरिया में टहल रहा है, वॉक कर रहा है। कुछ कदम इधर चलता है, कुछ कदम उधर चलता है। और एक वर्ड है ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, उसके जो पंजे हैं ना खूबसूरत से गद्दीदार पंजे, उन पंजों पर, गद्दियों पर वो चल रहा है। शांत है लेकिन गुस्से है। ही शुड बी लर्किंग इन हर शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्स डियर पास। अब एक इमेजिनेशन है, पोइट की ओर से इमेजिनेशन है, लेकिन ये टाइगर के लिए इमेजिनेशन की, काश वो जंगल में होता। अगर वो यहाँ ना होता तो अपने उस जंगल में होता जहाँ पर वो पीछा कर रहा होता शेडोज का, परछाइयों का, किनका, अपने शिकार का, कहीं छुपकर बड़ी बड़ी घास में। नरकुल की बड़ी ऊंची घास होती है, नरकुल होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे जंगल, उसमें वो टाइगर अपना घर बनाता है। पानी के होल जहाँ पानी होता है, क्योंकि पानी में जो भी जानवर होते हैं जंगल के, वो दिन भर कहीं भी रहें लेकिन जब भी उन्हें प्यास लगेगी तो वो पानी की तलाश में ज़रूर जाएंगे। तो एक सफारी के बारे में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ पर शिकार करना आसान होता है, तो शेर वहाँ छुपा रहता है। और जब भी वो किसी प्लम्प डियर पास, एक मोटे ताजे एक हिरण को देखता है तो उस पर झपटता है। अगर यहाँ ना होता तो वहाँ होता। He should be snarling around house. अब वो चीख रहा है at the jungle's edge. जंगल में होता तो वो चीख रहा होता। Snarling word का यू जब वो दहाड़ता है तो उसके दांत दिखाई देते हैं, बहुत कस के आपने पिक्चर्स में देखा होगा। Bearing his white fangs, his claws. और बेयर माने दिखाता है, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाता है। हिज क्लॉज, जब वो दहाड़ता है ना तो अपने पंजे ऐसे करके दिखाता है कि वो शिकार करना चाहता है। टेररिजिंग द विलेज, और जब वो जंगल में था ना तो आसपास के गांव तक उसकी दहाड़ का असर था, लोग डरते थे उसकी आवाज़ को सुनकर। लेकिन आज वो खामोश हो गया है, क्योंकि ग़ुलामी में वो ताकत है जनाब कि बड़े से बड़े सूरमा को भी खामोश रहने पर मजबूर कर देती।
ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं सब सब सिंबॉलिक होते हैं फ्रेंड्स। ये सिर्फ शेर की बात नहीं है, हम सब की बात है। जब हम गुलामी में होते हैं, परेशानी में होते हैं, मुश्किलों में होते हैं, चाहे वो नौकरी की दिक्कत है, चाहे लाइफ के स्ट्रेस में है, या यू नो ऑल वर्ल्डली वरीज एंड प्रॉब्लम्स, तो हम बड़े से बड़े शेर भी यू नो चूहे हो जाते हैं। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल। अब सीमेंट की बनी, कंक्रीट की बनी एक कोठरी में उसे बंद कर दिया गया है, जिस स्टैंड बिहाइंड बार। अब उसकी ताकत, उसकी कुवत बिहाइंड बार्स, बंदिशों के अंदर कैद कर दी गई है। बहुत ताकत है उसके अंदर, अभी उसे बाहर निकालिए। जितने लोग बाहर से उसके ऊपर गिट्टी फेंक रहे हैं, मूंगफली फेंक रहे हैं, सब भाग जाएंगे। लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर रखा है कि वो कैद के अंदर है, इसलिए अब वो शेर होकर भी गीदड़ जैसा हो गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इच केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। उसी चार दीवारी में वो स्टॉक कर रहा है, इधर से उधर टहल रहा है, और जो लोग आ रहे हैं, विजिटर्स हैं, इग्नोर कर रहा है उन्हें। हिज हर्ट्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन लगी मुझे। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार। जब तक लोगों की चहलकदमी होती है, आवाजाही होती है, गाड़ियाँ आती हैं, लोग आते हैं, तब तक वो उनसे कम्युनिकेट करता है, बीच बीच में दहाड़ लेता है, फिर शांत हो जाता है। जब वो आखिरी आवाज़ सुनता है रात में किसी वक्त की, अब आखिरी गाड़ी गई, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी खूबसूरत आँखों से वो आसमान की ओर देखता है। मैं यहाँ पर मानता हूँ ऐसा, जब जब हम नीचे की दुनिया से उम्मीद छोड़ देते हैं जनाब, ये फिलॉसफी है, तो हम उस दरबार की ओर नज़र उठा के देखते हैं कि यहाँ ना सही, शायद वहाँ कभी इंसाफ होगा। एंड द ब्रिलियंट स्टार्स, और चमकदार तारों को या तारों की चमक को जो एक बार ऊपर देखकर शायद दुआ मांगते हैं कि एक दिन आएगा कि हमारी आज़ादी हमें वापस मिलेगी। तो ये पोएम बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ I request you to like my channel, like this video and subscribe my channel or share zarur karein. Thank you very much. Lots of love. See you in the next video. Bye. Take care.